أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. उम्मीद है दुआ के सब खैरियत से होंगे. अल्लाह ताला हम सबको खैर ताफियत रखे, दुनिया की तमाम भलाइयाँ, आखिरत की तमाम भलाइयाँ अदा फरमाए. हम सबको कुरान हमारे दिलों की बहार बना दे, कुरान को सीखना पढ़ना अमल करना आसान करे और इसको हमारी जन्नत में जाने का जरिया बना दे, आमीन. आज का हमारा लेसन हम सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23 से ऑनवर्ड देखेंगे. इसके वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन को हम तोड़ तोड़ के समझ के पढ़ने की कोशिश करेंगे ताकि इसको याद करना और याद रखना हमारे लिए आसान हो. अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे. शुरू करते हैं सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 23. और फैसला कर दिया है. कदा फैसला करने के मतलब में आता, कंप्लीट करने के मतलब में भी आता है ये रूट वर्ड. और जैसे काजी फैसला करने वाले को कहते हैं, तो कदा फैसला कर दिया है रब्बू का आपके रब ने. रब्बू पे जो पेश है ये डूअर की पेश है कि किसने किया है, रब ने किया है. इसकी ट्रांसलेशन ने है. रब्बू का आपके रब ने, अल्लाह के ना. अल्लाह जो है ये दो चीजों से मिलकर बनता है, अन और ला को मर्ज कर दिया. तो अल्लाह अन के मतलब के, ला का मतलब नहीं. अल्लाह के ना तअबुदू तुम इबादत करो, इल्ला मगर इयाहू सिर्फ उसी की. तो हो गया उसकी इया, जैसे हम सिर्फ इया का नबुद हुआ, इया का नस्ताइन पढ़ते हैं उसमें हम इया का नबुद की ट्रांसलेशन करते हैं सिर्फ तेरी ही. तो ये भी इया सिर्फ उसी की, इयाहू सिर्फ उसी की. वबिल वालिदैनी और साथ वालिदैन के एहसानन एहसान करना. इसम है तो यहाँ पे ट्रांसलेशन करना करके इस तरह ट्रांसलेशन किया कि काम का नाम है एहसान करना. इम्मा अगर, इम्मा जो है ये यूज होता है मोस्टली जब दो कामों के दरमियान इख्तियार देने के लिए यूज होता है कि इसके दो कामों के दरमियान जैसे अख्तियार के या ये करो या ये करो इस तरह. तो इसका इसकी ट्रांसलेशन होती है ख्वा या ख्वा या फिर अगर जब. तो यहाँ पे इसकी ट्रांसलेशन अगर है या जब, तो इस तरह इसकी ट्रांसलेशन होती है. दो तरीके से होती है, बस अगर और जब याद रखें आप. तो ये अब मेनली ऑप्शन देने के लिए आता है कि इख्तियार देने के लिए दो कामों के दरमियान. इम्मा अगर यबलुगन्ना वो पहुंचे. अच्छा ये स्टाइल आपको बताना पड़ेगा कि इसमें थोड़ा सा ट्रिक है डिफरेंट. नून की तशदीद हम जब लाम के साथ पढ़ते हैं, ला यू लब ला करके ट्रांसलेशन होती है जब पहले, तो इसकी ट्रांसलेशन हम जरूर करके करते हैं आमतौर पर. जैसा पिछले असबाक में भी गुजरा है ऐसा, ला तुफसिदुन्ना के अलबत्ता तुम जरूर फसाद करोगे. लेकिन जब ये ला के बगैर है नून पे तशदीद, तो ये भी एक इम्फेसिस की नून होती है मगर इसकी ट्रांसलेशन हम जरूर नहीं लिखते. यानी होती है उसमें इम्फेसिस ताकीद मगर ऐसे नहीं होती कि उसकी ट्रांसलेशन में इसका जिक्र नहीं होता कि अलबत्त. तो ये है इम्फेसिस की नून है लेकिन इसकी तर्जुमे में नहीं आता. इस और ये वाला जो होता है ना अक्सर इम्मा के साथ आता है या और भी कुछ चीजों के साथ आता है मगर इम्मा के बाद आता है इस तरह की शक्ल में. आपने यहाँ पे देख रहे हैं जैसे, और इसी में हम आगे देखेंगे आयत आज की लेसन में. जी आयत नंबर 28 देखते हैं. इसी में देखें, इसमें भी इसी तरह है, इम्मा के बाद है. ये देखें आयत नंबर 28 में भी, वह इम्मा और अगर तू औरी दोन्ना तुम एराज करते हो. तो इसमें भी देखें हम नून तशदीद दिख रहा है आपको लेकिन हमने इसमें जरूर के मीनिंग नहीं किए इसके. इसको ये इम्फेसिस की नून है मगर इसके ट्रांसलेशन में इस तरह नहीं होता. इसमें बहुत इम्फेसिस नहीं होता इसलिए ट्रांसलेशन में इसके नहीं होता. और ये इम्मा के बाद आता है अक्सर इस तरह. और इसकी एक और एग्जाम्पल में हम वैसे तो आज के लेसन में हमने दो देख ली. और एक और एग्जाम्पल में देखते हैं सूरह अनफाल में भी एक दफा आता है. सूरह अनफाल की आयत नंबर 58 है. इसमें वह इम्मा तखाफन्ना और अगर कभी ख्याल यू फियर तुम खौफ करो. तो इसमें भी नून पे तशदीद और इम्मा साथ है. तो ये आपने देखी इसकी तीन एग्जाम्पल आज, तो आपको अंदाजा हुआ कि इसमें जरूर नहीं है. ये एम्फेसिस की नून ताकीद की लेकिन ट्रांसलेशन में जरूर नहीं लिखते. इम्मा यबलुगन्ना अगर वो पहुंचे आइंदा का तेरे पास, अल किबर बुढ़ापे को. किबर बुढ़ापे को कहते हैं कुरान में है और भी जगह पर.
अहदुहुमा हुमा उन दोनों में से अहद एक, अहदुमा उन दोनों में से एक, औ या किलाहुमा वो दोनों। किला का रूटवर्ड काफलाम वाव, ट्रिकी सा है, इस पे आप वो लगा लें कि ये रूटवर्ड कुरान में वैसे दो दफा ही है टोटल, तभी यहाँ पे पटू लिख दिया है। काफलाम वाव का रूटवर्ड है, ये कुरान में दो दफा है, इसके मतलब बोथ दोनों, जैसे किला हुमा, ये भी हुमा में भी दोनों आता है और किला में भी बोथ ऑफ देम इस तरह आता है, तो इसकी जगह में देखेंगे इस तरह। और कहाँ ये रूटवर्ड यूज हुआ है, ये सूरह कहफ में इस्तेमाल हुआ है, जो किल्तल जन्नतैनी आतत उकुलहा, तो देखें किल्ता किल है, रूटवर्ड क्या है, काफलम वाव, दोनों दोनों बोथ के मीनिंग आते हैं इसके, तो यहाँ पे यूज हुआ ये रूटवर्ड, और सिर्फ यहाँ पे जो अभी आपने किला हुमा पढ़ा है, बाकी कुरान में और जगह नहीं है ये। औ या किला हुमा वो दोनों, फला तो ना तकुल ता तुम, काफ और लाम रूट वर्ड है, तकुल तुम कहना, और जब भी काफ और लाम रूट वर्ड के बाद लाम आता है तो इसका मतलब है किस से कहना, तो तकुल तुम कहना लहुमा उन दोनों से, तो उन दोनों के लिए के बजाय ज्यादा बेहतर ट्रांसलेशन के उन दोनों से तुम कहना, तो ना तुम कहना उन दोनों से। उफिन उफ, उफ जो है कुरान में तीन दफा आया है, हमजा फाफा रूट वर्ड है और ये वर्ड ऑफ डिसरिस्पेक्ट है, उफ उर्दू में भी हम उफ कहते हैं आमतौर पर ही कहते हैं वहां पर, तो लेकिन कुरान में तीन दफा, एक दफा यहाँ पे, एक दफा और भी है सूरा, हम देखते हैं सूरा है सूरा अहकाफ है, उसमें भी है कि जो कहता है अपने वालदैन को उफ़ लकुमा, कि उफ़ है तुम दोनों पे, यानी उफ जो है डिसरिस्पेक्ट के लिए यूज होता है, तो वही रूट वर्ड कुरान में तीन दफा आया है, एक दफा हम यहाँ पे देख रहे हैं और एक दफा हमने अहकाफ में देखा और एक दफा और आया है। तो ना तुम कहना उन दोनों के लिए उफ वाला, और ना तनहर हुमा, और ना तुम झिड़कना उन दोनों को, तनहर तुम झिड़कना, नून हारा का रूटवर्ड कुरान में ज्यादातर नहर के लिए आया है, अनहार जैसे नहरें, नून हारा का रूटवर्ड कुरान में ज्यादातर नहार दिन के लिए आया है, मगर झिड़कने के मतलब में फेल की तरह कुरान में दो दफा आया है बस, ये यहाँ पे झिड़कने के मतलब में, और हम देखते हैं कहाँ पे आया, आप लोगों को सबको पता सूरह दुहा, वह अम्मा साइला फला तनहर, तो उनको नहीं झिड़को ना झिड़को, तो ये तनहर के मतलब यानी ये फेल की तरह नूनहरा कुरान में दो दफा आई है, सिर्फ एक दफा हम फला तनहर सूरह दुहा में देखा और एक दफा यहाँ पे है, और बाकी दफा नूनहरा डिफरेंट मीनिंग्स में आया कुरान में। तनहर हुमा तुम झिड़कना हुमा उन दोनों को, वकुल और कहना लहुमा उन दोनों से कौलन बात करीमन इज्जत वाली, करीम होती है ऑनरेबल इज्जत वाली उम्दा, वख वख फिद और झुकाए रखना, खाफा दाद रूटवर्ड है, खाफा दाद रूटवर्ड इखफिद करके झुकाए रखना, यानी ऐसे ऑर्डर फॉर्म में कुरान में तीन दफा है और तीनों दफा इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ है, जनाह के साथ, विंग्स बाजू, तीनों दफा इसी के साथ है कि अपने बाजू झुकाए रखना, जनाह जीम पे जब जबर के साथ आता है जनाह तो इसके मतलब होता है बाजू विंग्स, और पेश के साथ आ जाता है जो उसके मतलब हो जाता है गुनाह, ये कुरान में आप बहुत दफा देखेंगे, लेकिन जबर के साथ है मतलब बाजू विंग्स, वक्फित और झुकाए रखना लहुमा उन दोनों के लिए, यहाँ पे लाम का ट्रांसलेशन लिए ही होगा जैसे नॉर्मली होता है, जब काफ और लाम के बाद आता है तो उसका मतलब होता है किससे कहा, उन दोनों के लिए जनाह बाजू अजुल्ली आदि के, इसकी हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, मैंने आपको बताया कि इखफिद ये जो है रूटवर्ड इस तरह जब आया है तीन दफा और तीनों दफा इसी कॉम्बिनेशन के साथ आया है, हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं सूरह अशूरा में, अशूरा में 215 आयत में है, वखफिद जनाहका अपना यानी लोअर कर लें झुका लें अपने विंग यानी कि बाजू, इसका मतलब है झुक के तवाजों से पेश आना, बाजू झुकाने का मतलब क्या है कि बाजू तवाजों से पेश आना, वक्फित और झुकाए रखना लहुमा उन दोनों के लिए बाजू यानी तवाजों से पेश आना, अजुल्ली आजी के, दाल लाम लाम रूटवर्ड है, आज रूटवर्ड है, अच्छा ज्यादातर दाल लाम लाम रूटवर्ड का लफ्ज कुरान में ज्यादातर जिल्लत के लिए है, जैसे उर्दू में भी जलील ह्यूमिलेशन के लिए यूज करते हैं ना, मगर कभी इसका रूटवर्ड टेम करने के लिए और कभी हम्बल के मतलब में भी आता है, तो यहाँ पे ये हम्बल के मतलब में नजर आ रहा है आपका, तो उससे हम्बल से याद रखें आजजी के, जिल्लत ज़ाहिर नहीं है इसका रूटवर्ड, यहाँ मीनिंग आजजी हम्बलनेस,
झुकाए रखना उन दोनों के लिए बाजू आजजी के, मिनर रहमा रहमत से, वकुल और कहना रब्बी ए मेरे रब। रब्बी में ए मेरे रब जैसे दुआया कैसे आता है इसके साथ, यानी हम रब्बी जिदनी इल्मा रब्बी इंजल तंजलता इलैया मिन खैन फकीर पढ़ते हैं, तो दुआ के लिए रब्बी ए मेरे रब। तो एक्चुअली इसके साथ एक या थी जो गिर गई वो मेरे की जो, तो यहाँ पर रब्बी रह गया ए मेरे रब। इरहम हुमा जब मिला के पढ़ते रब इरहम हुमा, और जब हम इसको अलग से पढ़ेंगे रब्बी ए मेरे रब, और यहाँ पे हरकत लगाएंगे थर्ड लेटर के लिहाज से, थर्ड लेटर पे हा पे जबरियां जेर हो तो यहाँ पे जेर लगता है, तो इरहम इसको ब्रेक करेंगे, इरहम रहम कीजिए, फेले अमर है इरहम रहम कीजिए हुमा उन दोनों पर, कमा जैसा कि रब्बयानी सगी रब्बयानी सगीरा इन दोनों ने परवरिश की मेरी सगीरा बचपन में। ये दुआ हम लोग को बहुत अच्छे से आती है मगर इसकी सगी मीनिंग्स भी हमें आता है, मगर हम इसके रूट वर्ड के लिहाज से इसको ब्रेक करके आज समझते हैं सही से। अच्छा इसको ब्रेक करेंगे रब्बया तक, एक है रब्बया में इसका रूट वर्ड दिखने में देखें यहाँ पे भी रब राबा बा बापे तशदीद की सजा दिख रहा है, यहाँ पे भी बाबा दिख रहा है मगर इसका रूट वर्ड डिफरेंट है, ख्याल रखें इसको नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत इंटरेस्टिंग भी है। रा बा वाओ रूट वर्ड है तभी उस पर नहीं जाना चाहिए हम, अगर ट्रांसलेशन याद करते रब का मतलब तो आपको पता ही है, रुबूबियत भी इसी से है, रब की रुबूबियत केयर टेकिंग इस तरह मीनिंग आता है ना रब इसी से है, हम अल्लाह के लिए रब लॉर्ड यूज करते हैं पाल तो उसका रब है, लेकिन इसका है राबा वाओ। रिबा कहते हैं, रिबा आपको पता है सूद को कहते हैं, एक्चुअली राबा वाओ का मतलब होता है इंक्रीज बढ़ने से होता है इसका मीनिंग राबा वाओ रूट वर्ड का, तो रिबा जो सूद को कहा जाता है क्योंकि वो इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है ना जैसे असल से बढ़ा हुआ होता है, तो रब्बा जो रब्बा जब इस तरह आता है, और तरबियत उर्दू में हम तरबियत भी कहते हैं, तरबियत भी इसी से होती है ना तरबियत, तो उसमें होता है ब्रिंग अप करना परवरिश करना, तो रब्बा या, और ये जो आ है आखिर में या जैसे उसमें एक्चुअली ये है कि उन दोनों ने, ये तस्निया का सीगा का ये जो है जिस तरह तस्निया के लिए, तो आप इसमें डुअल लिख लें कि इससे इससे जो है उन दोनों के मीनिंग कहाँ से आई, ये इस अलिफ खड़ी जबर या अलिफ आता है जैसे अक्सर जगह पे आप रब्बया में अलिफ भी देखते हैं, तो रब्बया में जो इसकी वजह से तस्निया का सीगा है ठीक है डुअल का, तो रब्बया उन दोनों ने परवरिश की, मैंने आपको बताया राबा वाओ रूट वर्ड है और रब्बया तरबियत भी इसी से, इसमें मीनिंग किस चीज के आते हैं पाल परवरिश करने के पालने के ब्रिंग अप करने के लिए जैसे किसी को ब्रॉट अप करते हैं, तो इससे है रब्बया उन दोनों ने परवरिश की, और जब भी हम फेल के क्योंकि ये फेल है रब्बया फेल के आगे मेरी अटैच करते हैं प्रोनाउन मेरे लिए तो उसमें नी लगाते हैं, अगर इसम के साथ अटैच करते हैं मुझे मेरे के लिए तो या जैसे किताब किताब होता है और किताबी मेरी किताब, तो इसमें उसमें खाली ये ऐड कर देते हैं खाली या, लेकिन जब फेल के आगे मेरी अटैच करते हैं तो नी करके कहते हैं रब्बा या उन दोनों ने परवरिश की नी मेरी। बहुत यहाँ पे मिल हो गया, मैं हटा रही हूँ क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा ऐसा कुरान पे इतने सारे निशान, रूट वर्ड आप मगर लिख लीजिए दोबारा लिख देती हूँ रा वाओ है इसका रूट वर्ड, और इसको एक दफा याद कर ले तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा रब्बयानी, कुरान में एक दफा ये रूट वर्ड और है राबा वाओ वाला, देख लेते हैं कहाँ उससे आपको और समझ आ जाएगा। सूरह शूरा अशूरा में आयत नंबर 18 में जहाँ फिरौन का हजरत मूसा से बात हुई थी तो उसने कहा था कौला अलम नुरब्बी का, क्या हमने नहीं तुझे पाला था, तो बच्चा सा नहीं पाला था तो नुरब्बी का, तो इसमें भी रब का मतलब रूट वर्ड क्या है राबा वाओ वाओ ब्रिंग अप करने के मतलब में रब का मतलब इस तरह इसका रूट वर्ड है ठीक है पालने के मतलब परवरिश, तो यहाँ पे रूट वर्ड यूज हुआ है और बस आपको रब्बयानी उन दोनों ने परवरिश, रूट वर्ड तो यूज हुआ है राबा वाओ मगर तरबियत के मतलब में ब्रिंग अप करने के मतलब में रब्बयानी करके ये दो दफा हुआ है, उन दोनों ने परवरिश की मेरी सगीरन बचपन में, रब्बुकुम रब तुम्हारा आलमु ज्यादा जानता है, ये इसमें तब्दील का सीगा है हमजा पे जो जबर है इससे ज्यादा के मीनिंग आते हैं जिससे अकबरु ज्यादा बड़ा है असगरु ज्यादा छोटा है आलमु ज्यादा जानता है, बीमा उसे जो फी नुफूसिकुम तुम्हारे नफ्सों में है, इन अगर तकूनू तुम होगे सालिहीन नेक
فَإِنَّهُ تو یقیناً وہ کانا ہے وہ لِلْ اَوَّابِينَ رجوع کرنے والوں کے لیے. اواب کا روٹ ورڈ حمزہ واو با رجوع کے میننگ آتا ہے. لِلْ اَوَّابِينَ رجوع کرنے والوں کے لیے, غفورہ بہت بخشنے والا. آیت نمبر 26 وَآتِ اور دو گیو, حمزہ تایا کا روٹ ورڈ ہے فعل امر آتی دو, ذل قربا قرابت دار کو حقہ حق اس کا, والمسکین اور مسکین کو, وابن السبیل اور مسافر کو, ولا اور نہ تبذر تم بھیجا خرچ کرو. بازل را روٹ ورڈ ہے, بازل را روٹ ورڈ قرآن میں تین دفعہ ہے, تینوں دفعہ آپ اسی لائن میں دیکھ رہے ہیں. تو بدر تبدیرہ مبذرین, اس کے علاوہ یہ روٹ ورڈ آپ کو نہیں دکھے گا. بازل را کا مطلب ہوتا ہے بھیجا خرچ کرنا, ویسٹ کرنا, یہ بھی فیل ہے اور ساتھ اس کا اسم ہے. تو تبذر تم بھیجا خرچ کرو, ولا تبذر نہ تم بھیجا خرچ کرو, تبدیرہ بھیجا خرچ کرنا یہ کام کا نام ہے, اسم ہے, تنوین کے ساتھ ٹرانسلیشن کرنا کر کے کر رہے ہیں. ولا تبذر نہ تم بھیجا خرچ کرو, تبدیرہ بھیجا خرچ کرنا. انا بے شک المبذرین فضول خرچ لوگ, بھیجا خرچ کرنے والے. مبذرین کانو ہیں وہ اخوان بھائی, حمزہ خواب اور روٹ ورڈ ہوتا ہے بھائی کا, پلورل میں اخوان بھائی, الشیاطینی شیطانوں کے, وکان الشیطان اور ہے شیطان, لی ربی اپنے رب کے لیے, یا رب کا, کفورا بہت ناشکرا. وَإِمَّا اور اگر, تو تُرِيدُنَّ تم اعراض کرتے ہو, پھر ہم وہی دیکھا اما کے بعد ہے تو اس میں ہم نون کا الگ سے ٹرانسلیشن نہیں کریں گے. اس طرح تُرِيدُنَّ تم اعراض کرتے ہو, عنہم ان سے, ابتغاء چاہنے کو, ملا کے پڑھیں گے تو ہم پڑھتے ہیں عنہم مب, عنہم مبتغاء, لیکن جب ہم بریک کریں گے تو ہم پڑھتے ہیں عنہم ان سے, اور یہاں پہ تھرڈ لیٹر کے لحاظ سے زیر لگائیں گے, ابتغاء چاہنے کو. با غین یا روٹ ورڈ ہوتا ہے اور مین ہوتا ہے اس کا سیک کرنا, ابتغاء, تو اس کا روٹ ورڈ با غین یا چاہنے کو, رحمت رحمت من ربک اپنے رب کی طرف سے, یعنی کہ تیرے رب کی طرف سے. ترجوہا یہاں پہ بریک کرتے ہیں, پھر اگین را جیم وا روٹ ورڈ ہے. راجیم واؤ, اور یہ والی جو واؤ ہے یہ پلورل کی نہیں ہے, عام طور پہ واؤ ساکن ہم دیکھتے ہیں پلورل کی, یہ تو واؤ اس کا روٹ ورڈ کی وجہ سے. اس طرح ترجو تم امید رکھتے ہو, تم رجا رکھتے ہو, ہا جس کی, اب یہ مؤنث کی بات آ رہی ہے, مؤنث کا صیغہ ہا, کس کی طرف اشارہ ہے؟ رحمت, رحمت جو بھی چیز گول تا آخر میں آتی ہے عربی میں وہ مؤنث ہوتا ہے. تو دوبارہ دیکھیں کہ اگر تم اعراض کرتے ہو ان سے چاہنے کو رحمت اپنے رب کی طرف سے, ترجوہ تم امید رکھتے ہو جس کی, یعنی جس رحمت کی, فقل تو کہنا, لہم ان سے, پھر قاف و لام روٹ ورڈ کے بعد جب لام آتا ہے اس کا مطلب کس سے کہنا, ان سے کہنا, قولن بات, میسورا آسان, یا سینرا یسرا آسانی کو کہتے ہیں, میسورا آسان. آیت نمبر 29 ولا تجعل, اور نہ تم رکھو, یدا کا ہاتھ اپنا, مغلولتن بندھا ہوا, غین لام لام روٹ ورڈ ہے, غل کہتے ہیں چین کو, جیسے بندھنا کوئی چیز, تو مغلولہ کا مطلب کیا ہے, کوئی چیز چین, جس طرح جو غین لام لام روٹ ورڈ ہے بیسیکلی وہ چین شیکلز کے لیے آتا ہے, اور مغلول کا مطلب بندھا ہوا. قرآن میں مغلول دو دفعہ ہے, ایک دفعہ یہاں پہ ہے اور ایک دفعہ ہم دیکھتے ہیں سورہ مائدہ میں, وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ, جب یہود نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ مغلولہ اس بندے میں ہے, چین ہے, نعوذ باللہ, تو اللہ تعالیٰ نے کہا غلت, چین ہے ایدیم ان کے ہاتھ. تو مغلولہ کا لفظ دو دفعہ قرآن میں ہم نے دیکھا, سورہ مائدہ میں آیت نمبر 64 میں اور یہاں پہ, اور مطلب کیا ہے, چین. اور نہ تم رکھو ہاتھ اپنا مغلولہ بندھا ہوا چین, الا انوقی کا طرف اپنی گردن کے, ولا اور نہ تب ستہا, پھر بریک کرتے ہیں, تب ستا تم, باس ان تو پھیلانے کو کہتے ہیں, اللہ کا نام باسط بھی سے کشادہ کرنا پھیلانا, تب ست تم پھیلا دو ہا اسے. اب پھر مونس کی ضمیر ہے کس کی طرف جا رہی ہے, ید کی طرف. عربی میں جو ہاتھ ہوتے ہیں ان کو وہ مونس اس کے لیے یوز ہوتا ہے صیغہ. ولا تب ستھا, اور نہ تم پھیلا دو اسے, یعنی کہ ہاتھ کو, کلا پورا, کمپلیٹلی, جیسے البستی
फैला देना, तो ये कुल अल बस्ती पूरा फैला देना, तो अल इसम है तो इसलिए ट्रांसलेशन फैला देना, सेम रूट वर्ड यहाँ पे फेल है, तब सुथा तुम फैला दो उसे और पूरा फैला देना। फतकउद पस वरना ता तुम, तकउद पस तुम बैठ जाओगे, मलूमन मलामत जदा, लास्ट टाइम हमने मजमूमन पढ़ा था मलामत जदा, जो मलामत किया हुआ जैसे, तो मलूमन का भी रूट वर्ड क्या है, लाम वा मामीम, और मफ़ऊल का वजन है तो जिसको मलामत की गई, तो मलामत जदा और महसूरा हसरत जदा, तो इसमें भी मफ़ऊल मलूम, मफ़ऊल महसूर, हसरत जदा, तो रूट वर्ड तो आप आराम से हम उर्दू में भी हसरत जदा कहते हैं कि जो ऐसे ना रिग्रेटफुल होके ना रह जाना, कि बस तुम बैठ जाओगे मलामत जदा हसरत जदा होकर। इन्ना बेशक रब्बा का आपका रब जब सुतु कुशादा करता है, बास से तो का रूट वर्ड बेसिकली कुशादगी के लिए आता है, मगर जब ये हाथ के साथ आता है, कुरान में हाथ के साथ भी आएगा और जगह पे भी, तो इसका मतलब फैलाना, वो भी आप जब हाथ हाथ के लिए फैलाने का ज्यादा वर्ड बेहतर है उर्दू में, और रूट वर्ड सेम है, हाथ के लिए जब आता है तो इसकी ट्रांसलेशन हम फैलाना करके करते हैं जैसे ऊपर किए यहाँ पे, लेकिन चूंकि नॉर्मल है तो इसमें कुशादगी के मीनिंग है, आपका रब जब सुतु कुशादा करता है, और रिस्क रिस्को लिमन जिसके लिए यशा वो चाहता है, वह यकदर और वो तंग करता है, इन्नहु बेशक वो काना है वो भी इबाद ही अपने बंदों की खबीरा पूरी खबर रखने वाला, खूब खबर रखने वाला, बसीरा खूब देखने वाला। यहाँ पे लेसन स्टॉप करते हैं क्योंकि अगले लेसन में भी काफी सारे मुश्किल वर्ड्स डिफरेंट वर्ड्स आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसको अलग हम लेके चलेंगे। अल्लाह ताला इसमें जो भी गलतियां हुई, कमी कोताही हुई, इसमें हमें माफ करे, हमारे नफ्स की वजह से थी, और इसके बेहतरीन हिस्से से हमें फायदा उठाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो जाए, हमारे लिए इसको जो है आसान कर दे इसको समझना। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलता सहला व अंत तजअलुल हज़ना इज़ा शिता सहला, कोई चीज़ आसान नहीं जब तक अल्लाह आसान ना करे, तो अल्लाह आसान करे हमारे लिए और इसके जरिए हमारे जन्नत में जाना आसान करे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंत तवाबुर रहीम, सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।